गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। जो कहा सो कर दिखाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 36,590 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण का किया शुभारंभ। 31,277 पदों पर पहले चरण में हो चुकी है तैनाती। बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षकों का बहुप्रतीक्षित चयन हुआ पूरा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया स्वास्थ्य विभाग के मेरा कोविड केंद्र ऐप को लॉन्च। कहा ऐप के माध्यम से लोगों को मिलेगी किसी भी कोविड जांच केंद्र की जानकारी। हरपुर बुधर थाना क्षेत्र के परमेश्वरपुर गांव में एक साधु की हंसिए से काट कर की गई निर्मम हत्या। गांव के पोखरे में शव देखकर ग्रामीणों ने मचाया शोर। मौके पर पहुंचे सीओ खदनी और एसपी साउथ ने घटना स्थल का लिया जायजा। कहा जल्द होगा घटना का पर्दाफाश। जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री की अध्यक्षता में एनएक्सी भवन के सभागार में बेसिक शिक्षा परिषद के 580 नवनियुक्त सहायक शिक्षकों को किया गया नियुक्ति पत्र का वितरण। कहा छात्रों को अच्छी शिक्षा देकर अपनी जिम्मेदारी का करें भी निर्वहन। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने कहा प्रदेश में फिल्म सिटी बन जाने से लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। युवाओं की प्रतिभा निकल कर आएगी सामने। जिलाधिकारी केवीएन पांड्या ने कहा अब तक हो चुकी है जिले में 65,000 मीट्रिक टन धान की खरीदारी। 5 धान क्रय केंद्रों पर अनियमितता पाए जाने पर किया गया मुकदमा पंजीकृत। 3 सचिवों को भेजा गया जेल। शिकायत मिलने पर कार्रवाई आगे भी रहेगी जारी। बेलीपार क्षेत्र के महरौली स्थित मधुबन होटल के सामने तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक सवार 2 किशोर और 1 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में किशोर और 1 युवक की हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सदर सांसद और भोजपुरी फिल्म के मेगा स्टार रवि किशन ने भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और आम्रपाली दुबे स्टारर भोजपुरी फिल्म ठीक है का किया विधिवत पूजन कर मुहूर्त शॉट। कहा फिल्म साबित होगा ब्लॉकबस्टर। गोरखपुर में शनिवार को मिले 32 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 1 की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 20,221। अब तक 324 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 400 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। समाजवादी पार्टी के बेतियाहाता स्थित कार्यालय पर जिला समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक हुई संपन्न। किसान बिल सहित विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चा, बनाई गई आंदोलन की रणनीति। और गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला और संगीत विभाग में आयोजित 2 दिवसीय कला प्रदर्शनी अभिव्यंजना हुआ संपन्न। छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार की लगाई गई प्रदर्शनी लोगों ने सराहा।